फिर उसमें स्वयं कृष्ण आते हैं कि आई ये योग्य पत्थर है, ये टूटा नहीं, अब तो इसमें आऊँगा ही मैं, है ना। तो जब गुरु के शरण में रहते हैं तो डांट फटकार भी खूब पड़ सकती है, उन चीज़ों को तो हम सेकेंडरी रखते हैं कि डांट फटकार पड़ना कि ये तो ठीक है, ये तो होता ही है। यदि गुरु सिद्धांतिकली कुछ कह रहे हैं कि ये नहीं, कि ऐसा नहीं, ऐसा हम किसी संप्रदाय से नहीं, हम किसी परंपरा से नहीं हैं, हम अलग परंपरा से हैं, या कुछ नया ही सिद्धांत अलग ही मतलब वो कर दिए, समझे, तब जा करके हम गुरु को वो करते हैं, परित्यागो विधीयते, ऐसे गुरु को क्या करो, परित्याग कर दो। हाँ, जैसे कि द्रोणाचार्य जी के शिष्य थे ना अर्जुन जी, थे बने रहे, पर जब द्रोणाचार्य जी ने दुर्योधन का साथ दिया युद्ध में तो विपरीत थे ना पांडव लोग, शिष्य हैं वो गुरु जी खड़े हैं, बचपन से उन्हीं ने हाथ बाण पकड़ना नहीं आता था, धनुष उठाना नहीं आता था, उन्हीं ने सिखाया था, आज उन्हीं के अगेंस्ट खड़े हैं, क्यों, क्योंकि सिद्धांतिकली विरुद्ध चले गए, है ना। उनको कौन से पक्ष में होना चाहिए था, जहाँ जिस पक्ष में भगवान है, जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दन, महाभारत में आता है, क्या कहा, जयस्तु, कि जय किसकी होगी, पांडु पुत्राणाम, पांडु के पुत्रों की, क्यों 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 उनकी जय होगी, क्योंकि उनके पक्ष में कौन है, येषां पक्षे जनार्दन, हाँ भगवान कृष्ण, भाई जनार्दन भगवान का एक नाम है, जो अपने भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं वो जनार्दन। तो फिर इन लोगों को भी किस पक्ष में होना चाहिए था, इस पक्ष में। हालांकि वहाँ रस विचार भी एक है कि वो लोग अगेंस्ट पार्टी में क्यों थे, रस विचार भी है, हाँ, जैसे कि भीष्म पितामह का कई लोग बोलते हैं कि भाई भीष्म पितामह अगेंस्ट चले गए, वो तो महाभागवत थे, भागवत भगवान के भक्त थे भीष्म पितामह, तो वो अगेंस्ट क्यों चले गए। तो इसमें रसिकाचार्य और भी पॉइंट बोलते हैं, बोले भीष्म पितामह कहने लगे, बोले जब उनके पक्ष में रहूँगा, भगवान के पक्ष में रहूँगा, तो भगवान भी इस पक्ष में खड़े हैं, हम भी इस पक्ष में खड़े हैं, सामने वाले किसकी किसका दर्शन होगा बार बार, दुर्योधन शकुनी, है ना, उनके 100 दुष्ट भाई, वो सब असुर करुणों का उनका दर्शन होगा। भीष्म पितामह बोले यार भले ही आगे जाके मुझे लोग हिस्ट्री मतलब आगे जाके लोग मुझे क्या कहें भविष्य में कि भीष्म पितामह गलत थे, उन्होंने गलत लोगों का साथ ले लिया, ये कर दिया वो कर दिया, कहने दो मुझे कोई परवाह नहीं। हाँ, निंदंतु प्रिय बांधवा गुरुजना, मुंचंतु गृहणंतु वा तथापि परमानंदो गोविंदो मम जीवनम। हाँ वो तो खैर एक लीला वाले पार्ट से देखोगे, रस वाले पार्ट से देखोगे तो वो भी किया है। तो भीष्म पितामह कह रहे थे कि मैं यदि इस पक्ष में आ जाता हूँ तो इस पक्ष में रहने से क्या होगा कि सामने भगवान होंगे देवकी नंदन, और उनका सदैव ही क्या होता रहेगा, इसीलिए जब इन्होंने स्तुति करी भीष्म पितामह ने भागवतम में तो क्या कहा, मम निशिता शरीर विविध्यमाना, कि मेरे सर मतलब मेरे सरों से, सर मतलब कि मेरे बाणों से, मम निशिता शरीर विभेद्यमाना, कि मैंने आपके ऊपर क्या किया, बाण मारे, भगवान के ऊपर भी छोड़े थे बाण, हाँ अर्जुन को मारे थे तो फिर उनके भगवान बीच में आ गए थे, तो भगवान के ऊपर बाण लगे थे, भगवान को बाण लग रहे थे, पर भगवान और कह रहे हैं कि मतलब भगवान एक्टिंग भी कर रहे थे, फुल खून वून भी निकाल लेते, क्योंकि हाँ उनकी तो इच्छा है वो करेंगे, तो भगवान को ऐसा नहीं लग रहा था मेरे बाण लग रहे हैं, तो भीष्म पितामह मैं तुम्हें देखूंगा, नहीं उनको पता कैसा लग रहा था, कैसा लग रहा था, ना चींटी काट रही, नहीं नहीं फूल फेंक रहे हैं, जैसे मेरे भक्त फूल होते हैं ना, जैसे भगवान को फूल फेंकते हैं, तो भगवान को जब भीष्म पितामह बाण मार रहे थे तो भगवान को कैसा फील होता था, फूल के समान, अगेंस्ट पार्टी में है, पूरा खिलाफ खड़े हैं, और भगवान को क्या लग रहा है, पर क्यों ऐसा, क्योंकि उनका इंटेंशन नहीं था, बाण सिर्फ मार ही रहे थे, ठीक है एक से ज़्यादा एक, पर अंदर से इंटेंशन ऐसा नहीं था, अंदर से जानने थे मेरे भगवान सामने खड़े हैं, पर फिर भी वो कुछ कर नहीं सकते, बॉडी नहीं, इसीलिए क्या भगवान किससे ज़्यादा, मन की मन, इसीलिए प्रभुपाद जी ने क्या कहा, कृष्णा कॉन्शियसनेस, चेतना को कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना में चेतना, कृष्ण की जैसी, कृष्ण के लिए हमारी क्या भावना कैसी है, ये ज़्यादा वो है कि भावना में कृष्ण है कि नहीं, ये देखना। इसीलिए युद्ध करते समय भीष्म पितामह क्या रहे, कृष्ण कॉन्शियसनेस, बोले कृष्ण कॉन्शियसनेस है विद फाइटिंग कृष्ण, फाइटिंग कॉन्शियसनेस थे वो, तो युद्ध लड़ाई के मूड में थे, बॉडी से थे, फाइटिंग कॉन्शियसनेस विद बॉडी, बट इंटरनली ही इज कृष्ण कॉन्शियसनेस, हैं अंदर से किसका सोच रहे, भगवान भगवान भी बाण चला रहे थे, अर्जुन जी को चला रहे थे, भगवान बीच में आ रहे थे
विविध्यमान भेद रहे थे भगवान का विग्रह, परंतु भगवान है तो रथ रोक गया था ना उसमें, और वो तो चलते भगवान अब तो चलते घोड़े चल रहे हैं, भगवान खड़े हो गए ठीक है ऐसा भी यार वो जबरदस्त युद्ध हो रहा था, भगवान हैंडल छोड़ देते क्योंकि गाड़ी का गाड़ी चल ली अपने महाभारत के ऊपर लूंगा, महाभारत बहुत इंटरेस्टिंग है, एक बार रोका भी था मैंने, हाँ मैंने है महाभारत बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग महाभारत कभी लूंगा, और वो वैष्णवों की दृष्टि से वैष्णवाचार्य की दृष्टि से पढ़ना महाभारत वो तो फिर और ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है।